हेलो बच्चों, अभी राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में मैं रीअरेंज एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो ये रीअरेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनको लेके आया हूँ ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से हो जाए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक को देखते हैं। इसमें आर अ स्टोर हाउस इंडियन इंडियन आर्ट ऑफ टेम्पल्स। तो बच्चों, इसको हम लोगों को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन टेम्पल्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंडियन आर्ट, है ना। तो आप फिर से सुन लीजिए एक बार कि इंडियन टेम्पल्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंडियन आर्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, दीज द आर्किटेक्चर आर्टिस्टिक मास्टर पीस ऑफ टेम्पल्स इज एन, है ना। इसको हम लोगों को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो हो जाएगा द आर्किटेक्चर ऑफ दी टेम्पल्स इज एन आर्टिस्टिक मास्टर पीस, है ना। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस क्या हो जाएगा कि द आर्किटेक्चर ऑफ दीज टेम्पल्स इज एन आर्टिस्टिक मास्टर पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सी नंबर, इज सिचुएटेड नॉर्थ ईस्टर्न कोणार्क टेम्पल साइड ऑन द आपुरी, है ना। इज सिचुएटेड नॉर्थ ईस्टर्न कोणार्क टेम्पल साइड ऑन द आपुरी। तो चलिए इसको अरेंज करके फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ पुरी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ पुरी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी है, चेरियोट फ्राम ऑफ टेम्पल इज द ए इन। ठीक है, चेरियोट फ्राम ऑफ टेम्पल इज द ए इन। अब इसको हम लोगों को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा द टेम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ अ चेरियोट, है ना। देखिए, द दो बार आया है ना सब, तो द टेम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ अ चेरियोट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट्स स्कल्पचर्स फेमस इज फॉर टेम्पल द। ठीक है, इट्स स्कल्पचर्स फेमस इज फॉर टेम्पल द। तो चलिए इसको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। ये है कि द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर्स, है ना। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स स्कल्पचर्स। ठीक है, तो बच्चों मेरे को आशा है कि जो रीइंजीनियरिंग टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये पांचों एग्जाम्पल को आप लोग देखेंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा अच्छा कमेंट करिए, है ना। वीडियो देखने के लिए हमेशा की तरह आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।